वंदे पुरुषोत्तम। एक व्यक्ति श्री श्री ठाकुर जी से बोले कि वास्तविक अनुभव के आधार पर एक बात मुझे समस्या जैसा लगती है। आप कहते हैं मनुष्य संपद है, मैं तो देखता हूं मनुष्य विपद है। जो पारिपार्श्विक के लिए अपने सामर्थ्य अनुसार कुछ कुछ करता है, उसके प्रति मनुष्य इतनी आशा पोषण कर लेता है कि वह उन सब का पूरण तो कर ही नहीं सकता, बल्कि अंत में बदनामी का भागीदार हो जाता है। और जो उसकी सेवा से पुष्ट होते हैं, उनमें भी बहुत कम लोग उसका संपद होते हैं। उन लोगों में कर्तव्य बोध से ज़्यादा प्रत्याशा दिन दिन बढ़ती जाती है। इस परिस्थिति में क्या करणीय है? श्री ठाकुर जी बोले, तुम जिनको सर्विस दे रहे हो, उपयुक्तता अनुसार उसके द्वारा यदि दूसरों की सर्विस सेवा नहीं करवाते हो, तब तो इस तरह की समस्या उपस्थित होगी ही। इसी जगह हम लोग की कमी रह जाती है। तुम्हारी सेवा इतनी और इतने दिनों तक करनी होगी जिससे वे सेवा प्राण बन जाएं। इस तरफ नजर न रखने पर यदि तुम्हारी सेवा कल्याण प्रसव नहीं हुई, अनंत सेवा के संक्रामक स्रोत की लहर जगत में पैदा नहीं की, तो वह एकांत रूप से निष्फल हो गई। सेवा उत्सारणी गहरी सेवा को कहते हैं धर्मदान। इसीलिए धर्मदान श्रेष्ठ दान है। जो जैसा भी हो न क्यों, उसके साथ तुम्हारा संपर्क है। ही विल टेक एडवांटेज ऑफ योर गुडनेस एंड यू विल एक्सप्लॉइट हिज बैडनेस फॉर योर पर्पज एंड प्रिंसिपल। वह तुम्हारे अच्छाई का फायदा उठाएगा एवं उसके अंदर बुराई जो कुछ है, वह तुम अपने आदर्श और उद्देश्य के परिपूर्ण करने में लगाओगे, और यह कर पाने पर उसका भी भला होगा। पीछे लगे रहकर इस तरह से ही अभ्यस्त बना देना होगा। एक एक मनुष्य के लिए बहुत मेहनत करना पड़ता है। चलाने पर चलने लायक मोबाइल गतिशील अनेक मनुष्य हैं, लेकिन तुम्हारे बात पर चले और चलाए ऐसे मोटाइल चलत्यशील लोग कुछ नहीं रहने पर मुश्किल है। पहले मैं प्रयोजनानुसार स्वयं दौड़ धूप कर पाता था, उस समय सुविधा थी, अब मैं स्थिर हो गया हूँ। तुम लोगों में कई यदि मोटाइल चलतशील हो जाते तो कोई चिंता नहीं रहती। श्री ठाकुर जी बातों बातों में बोले, हम लोगों का काम एक ही वर्ग में हुआ है। साधारण वर्ग में दीक्षा जैसी हुई है, विशिष्ट वर्गों में उस अनुपात से दीक्षा नहीं हो रही है। अभी वैशिष्ट लोगों में इनिशिएट्स दीक्षा संख्या न बढ़ाने पर बैलेंस समता नहीं रहेगा। इसके अलावा सभी तरह के रिसोर्स संपद की अनंत रूप से वृद्धि करने की जरूरत है। यह न होने पर बृहत्तर परिवेश सेवा शिक्षा व संशोधन के लिए जो जो करणीय है वह किया न जा सकेगा, और इस परिवेश का कहीं भी अंत नहीं है। जितना आगे बढ़ेंगे उतना ही देखेंगे और अनेक काम बचा हुआ है, लेकिन परिवेश के अंदर जितना बचने बढ़ने का बाधक रहेंगे उससे हम लोग स्वयं भी क्षतिग्रस्त होंगे उतना ही। जय गुरु। 7 दिसंबर 2016 पेज संख्या 8 और 9 से। जय गुरु।